सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। सो आज हम आपकी बहुत ही न्यू कार स्कॉडा की तरफ से आने वाली आपकी गाइस स्कॉडा स्लेविया स्टाइल वेरिएंट आपको दिखा रहे हैं। ये गाड़ी गाइस बिल्कुल लॉन्च हुई है अभी, मतलब इसका प्राइस अभी नहीं आया, जिस गाड़ी हमें देखने के लिए अभी मिली है। आज इसका डिटेल वॉकराउंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर चेक कराने वाला हूँ। ये गाड़ी गाइस यहाँ पे खड़ी है अभी 1 लीटर मैनुअल के अंदर, टॉप एंड वेरिएंट स्टाइल के अंदर। बहुत ही स्ट्राइकिंग कलर है इसका, जो ये स्काई ब्लू वाला कलर है, और ये इसका फ्लैगशिप कलर भी इन्होंने स्कॉडा वाले दे रखा है। तो ये गाड़ी गाइज आपकी रैपिड को रिप्लेस करती हुई स्कॉडा के सेडान सेगमेंट में अभी गाड़ी लॉन्च हुई है, और ये गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लुक के साथ है। ये गाड़ी, जब इस गाड़ी को मैंने गाइज पहली बार देखा तो लिटरली मैं यकीन नहीं कर पाया, इतनी ब्यूटीफुल मुझे लगी है। बहुत ही सुंदर सी लुक है, बहुत ही शार्प और ब्रॉड अपनी जो है फ्रंट के साथ ये गाड़ी आ रही है। जहाँ पे अगर मैं सामने से अगर इसकी बात करूँगा तो इसको जो हेडलैम्प यूनिट है वो बहुत ही क्रिस्पी रखे गए हैं। लो बीम के लिए आपको प्रोजेक्टर्स दे रखे हैं, हाई बीम के लिए आपको बल्ब दे रखा है, LED DRLs बहुत ही स्ट्राइकिंग डिज़ाइन के अंदर ये दे रखे हैं। तो गाइज ये जो डिज़ाइन है इसकी हेडलैम्प का वो बहुत ही स्ट्राइकिंग लग रहा है। और गाइज इसकी जो फॉग लैम्प है वो आपको यहाँ पे हलोजन के अंदर दे रखी है, ये कि टॉप एंड वेरियंट है। यहाँ पे कुछ क्रोम का यूज़ इस गाड़ी के अंदर कर रखा है, कुछ थोड़ा सा एक जो डिज़ाइन है ये मुझे थोड़ा थोड़ा रैपिड की याद दिलाता है, क्योंकि मेरे पास भी रैपिड है गाइज, उसके अंदर भी आपको सेम ही डिज़ाइन मिलता है आपकी जो शोल्डर लाइन है। और ये है लुक गाइज आपकी बिल्कुल न्यूली डिजाइंड आपकी स्कॉडा ग्रिल। ये ग्रिल का डिज़ाइन आपने ऑक्टेविया में पहली बार देखा था, अब इसके लिए कंटिन्यू हो रहा आपकी स्लेविया के अंदर भी। ये गाड़ी गाइज मुझे लगता है कि गेम चेंजर होने वाली है, चाहे उसमें आप वरना ले लीजिए, होंडा सिटी सभी को बीट करने वाली है, फीचर्स में, इंटीरियर लग्जरी में, हर चीज़ में करने वाली है। और ये ग्रिल है गाइज, मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे स्कॉडा ग्रिल है, ब्लैक के एक्सेंट इसके ऊपर यूज कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको मिक्स है तो इतना अलग से नजर नहीं आएंगे। ये जो क्रोम इसका ये दे रहा है ग्रिल के ऊपर, ये बहुत सुंदर निकल के आ रहा है गाइज, मतलब मेरी ये देखते ही गाइज फेवरेट बन गई है। यहाँ पे स्कॉडा का लोगो दे रखा है, और आपके बोनेट पे जो डिजाइन लैंग्वेज जो स्कॉडा की कंट्री रहती है, आपने रैपिड में देखा है ओल्ड वाली, वही यहाँ पे कंट्री रहती है। बट गाइज गाड़ी ओवरऑल बहुत ही मतलब एक फ्लेक्सिबल डिजाइन के साथ आती है, और एक अलग सी फील मुझे देके जा रही है। जहां पे गाइज मैं थोड़ा सा साइड से दिखाता हूं आपको, ये लुक है गाइज आपकी साइड से, मतलब एक प्रॉपर एक सेडान जो लुक होनी चाहिए गाड़ी के अंदर वही आपको मिलती है। C8 के टायर्स हैं, डायमंड कट फिनिश के अंदर है, टॉप एंड वेरिएंट है, बहुत ही सुंदर डिजाइन रखा गया है। टायर साइज आपको R16 205/55 का है, बहुत ही मैसिव साइज है, ह्यूज साइज है गाड़ी में, मजा आने वाला गाइस चला के। आपको स्कॉडा का आपको डिजाइन दे रखा है, जैसे हमने कुशाक में देखा है, यहाँ पे आपको डिजाइन एलिमेंट स्कॉडा के मिलते हैं, ब्लैक के अंदर ग्लॉसी ब्लैक दे रखा है। ORVM विद टर्न इंडिकेटर्स हैं, बहुत ही शानदार क्रोम आपका यूज काफी सारा आपका पूरा जो आपके साइड में दे रखा है। और गाइज ये एक प्रीमियम सेडान वाली फील है गाइज, मतलब बहुत मजा आ रहा है इस गाड़ी को देख के आज मुझे फाइनली। और यहाँ पे आपका क्रोम का कुछ यूज आपके डोर हैंडल्स पे, पैसिव एंट्री आपको दे रखी है। गाड़ी की हाइट बहुत सुंदर रखी है, मेरी हाइट गाइज 5'7" है, तो मेरे कंधे तक इसकी आ रही है, तो काफी सुंदर हाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और गाइज ह्यूज टायर साइज है, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ठीक है, तो गड्ढों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप ओल्ड रैपिड में फेस करते थे। और ये अगेन आपका क्रोम कंटिन्यू रहता है, काफी बढ़िया डिजाइन है, और यहाँ से भी काफी बढ़िया सेडान की लुक आती है। सो ये है गाइज फाइनली आपकी रियर से आपकी स्कॉडा आपकी स्लेविया की लुक, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये आपको ऑक्टेविया की याद दिलाती है, बहुत ही सुंदर लुक के साथ है। टेल लैंप्स आपके बहुत सुंदर है, ग्लो होते हैं तो अनलॉक करने पे, तो अनलॉक होते हैं तो सिर्फ आपको लाइट नहीं ग्लो करेंगी, सिंपल रहता है। तो ये गाइज आपकी टेल लैंप है, पूरा आपको नॉर्मल आपको LED टेल लैंप दे रखा है, बहुत सुंदर लगता है, ये भी बहुत ही सुंदर थ्रो इसका निकल के आता है। स्कॉडा बीच में लिखा हुआ गाइज, काफ़ी सुंदर एलिमेंट्स है, अल्फाबेट्स आपको बहुत ही स्पेसी मिलते हैं, और एक वही गाइज जैसे मैंने बताया कि ऑक्टेविया काफ़ी याद दिलाते हैं, बट एक थोड़ी सी कॉम्पैक्ट साइज में इसको रखा गया है। और यहाँ पे आपको स्लेविया लिखा हुआ है, नंबर प्लेट की स्पेसिंग दे रखी है, डाउन पार्ट में काफ़ी सारा डिजाइन यहाँ पे मैच पैट डिजाइन अगर आपको यहाँ दे रखा है, रियर पार्किंग सेंसर्स दे रखे गाड़ी के अंदर, क्रोम का यूज़ दे रखा है। पीछे से गाइज गाड़ी की हाइट देखेंगे, मतलब बूट तक अगर देखेंगे तो काफ़ी सारा स्पेस यहाँ निकल के आता है, तो ये एक बहुत सुंदर चीज़ है। रियर पार्किंग कैमरा आपको प्रोवाइड कर रखा है, डिफॉगस गाइज आपको दे रखा है, स्टॉप लैंप आपको प्रोवाइड कर रखा है, शार्प फिन एंटीना देख लीजिएगा इस ब्लैक के अंदर, बहुत सुंदर डिज़ाइन के अंदर आता है। और यहाँ पे आपकी बूट गाइज एक बार ओपन करते हैं, मैसिव बूट साइज है गाइज, मतलब ये तो रैपिड से भी ज़्यादा है, मैं देख के ही बता सकता हूँ, एग्जैक्ट लीटर मुझे नहीं पता अभी गाड़ी के जो प्राइसेस आने वाले हैं। 60-40 स्प्लिट का फंक्शन है, टूल किट की स्पेसिंग फर्स्ट एड किट दे रखी है, स्टेपनी जो आपकी स्पेयर व्हील है वो इस कार्डबोर्ड के नीचे छुपी हुई है, ये आपकी स्टेपनी दे रखी है काफ़ी सुंदर, इसके अंदर आपको ये ऐसे करके लॉक हो जाता है, ये बहुत सुंदर दे रखा है। साइज के बारे में बात करूँगा, यहाँ पे आपको स्टेपनी भी सेम साइज R16 205/55 की प्रोफाइल है, और जबकि प्राइमरी टूल किट हम आपको ऐसे साइड में ऐसे कॉलम में दे रखी है, तो ये काफ़ी सुंदर गाइज, जो स्पेस मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखा गया है। और ये चीज़ गाइज काफ़ी गाड़ी में देखा, अपने कवरिंग नहीं मिलती, तो कवरिंग भी बहुत अच्छे से यहाँ पे कर रखी है, तो स्कॉडा इट इट्स बेस्ट है गाइज, और बहुत ही मज़ा आएगा इसके बूट को देख के। सबसे पहले अंदर जाने से पहले मैं आपको की दिखाता हूँ, ये है गाइज आपकी स्कॉडा की लॉक अनलॉक का बटन है इसके ऊपर, पीछे स्कॉडा का लोगो दे रखा है, आपने कुशाक के अंदर देखा, सभी के अंदर आपको यही की मिलती है।
यहाँ पे आपका फ्यूल लिड है, फ्यूल आप यहाँ से डलवा सकते हैं, 1 लीटर पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये देखिए गाइस, मतलब जब डोर को ओपन किया जो थर्ड साउंड है वो आपको स्कोडा की याद दिलाती है और ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी लग्जरी कार के अंदर एंटर कर रहे हैं। सो मेरी हाइट है गाइस 5'7", मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ, ये लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्रोम का डिज़ाइन है, ट्विटर्स दे रखे हैं, स्पीकर्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे, ये वाले डिजाइन के लेदर के अंदर दे रखे हैं, मतलब जो काउच वाला एरिया पूरा लेदर है, मिरर के कंट्रोल्स हैं, हैंडल बहुत अच्छा दे रखा है, कुछ स्पेस आपको यहाँ भी दे रखे हैं। सो अब गाइज, सिंस मैं रैपिड यूज़ करता हूँ, मेरे पास खुद है तो मैं स्पेस बता सकता हूँ कि डेफिनेटली स्लेविया के अंदर स्पेस डेफिनेटली बेटर है, लेग रूम बहुत अच्छा है, हेड रूम ठीक ठाक है, हेड रूम रैपिड के अंदर भी इतना ही मिलता है, मैं नहीं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। यहाँ पे आपको एक हैंडल दे रखा है और यहाँ से थोड़ा सा बैठ के दिखाता हूँ गाइज, तो गाइज काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आर्म रेस्ट विथ 2 कभी होल्डर्स, लेदरेट सीटिंग गाइज, जो उसकी खुशबू भी आती है लेदर की वो बहुत अच्छी लगती है नई गाड़ी के अंदर। और फ्लोर हम जैसे मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे एसी वेंट्स दे रखे हैं, और आजकल गाइज आपको टाइप सी वाला फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है, तो इन दोनों आपको स्लॉट यहाँ पे टाइप सी वाला ही छोड़ रखे हैं। तो ये लुक है गाइज आपकी कंबाइंड सनरूफ के साथ आपका स्कोडा स्लेविया का इंटीरियर। इस गाड़ी के अंदर गाइस आपको स्लेविया में 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 1 लीटर TSI, 1.5 TSI, 1 लीटर आपने देखा ओल्ड रैपिड में भी आता है, कुछ एक में आपको दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं, ये पेट्रोल इंजन है स्कोडा की तरफ से आता है। ये 1 लीटर है, इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इसकी पावर निकलती गाइस 110 BHP और 175 का टॉर्क है इसके अंदर। इसके जो हुड को एक बार ओपन करते हैं, इट्स वेरी इजी टू ओपन, थोड़ा सा लाइट है रैपिड का, थोड़ा मुझे हैवी लगता है बिल्ट वाइज। इंसुलेशन शीट नहीं दे रखी है, बहुत ही सुंदर पैक कर रखा है, 1 लीटर TSI इंजन, 110 BHP निकलती है, इसकी पैकेजिंग कितना शानदार दे रखा है, मैंने अपने रैपिड में भी आपको देखा है, बहुत ही नया इंजन, कूलेंट के लिए स्पेसिंग, बैटरी, टर्मिनल्स, हर चीज़ इसके अंदर बहुत ही सुंदर पैकेजिंग कर रखी है, मतलब मज़ा आ रहा है गाइस इस गाड़ी को देख के। और ABS का आपको फिक्सिंग दे रखा है, तो वेरी नाइसली पैक्ड, वेरी नीटली डन, बहुत मज़ा आएगा इस देखो इसके भी। So, ये है आपकी ड्राइवर्स डोर स्कोडा स्लेविया की, बिल्कुल स्कोडा का डिज़ाइन नज़र आता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दे रखा है, यहाँ पे आपको क्रोम का डोर हैंडल है, ऑल 4 पावर विंडोज विद सिंगल टच डाउन ORVM एडजस्टर दे रखा है मिरर को लॉक करने के लिए, एक जो सेंसर जो स्कोडा कार्स में रहते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। और ये है गाइस आपकी ड्राइवर सीट, बहुत ही कॉम्फी, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो इसको आप हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी सुंदर इसकी सीटिंग निकल के आएगी। अभी थोड़ा सा गाड़ी के इंटीरियर्स में बात करने से पहले गाइस मैं आपको थोड़ा सा एक फील देता हूँ, गाइज इस गाड़ी में मुझे बैठ के लिटरली अभी फील ऐसा है कि जैसे आप स्कोडा ऑक्टेविया के अंदर ही बैठ गए, वो छोटी ऑक्टेविया जैसे बोल लीजिए। क्वालिटी लेवल्स गाइज, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे अगर कितना बढ़िया राउंड डिजाइन में वो एसी वेंट्स रखे, ग्लॉसी फिनिश छोड़ रखी है, ये पार्ट गाइज गोल्डन फिनिश के अंदर दे रखा है, यहाँ पे आपके हेडलैम्प के कंट्रोल आपको दे रखे हैं, हेडलैम्प लेवल के कंट्रोल है, स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। स्कोडा स्लेविया के इंटीरियर में आ चुके हैं और ये लुक है गाइज आपकी स्कोडा स्लेविया की, मतलब गाइज कभी कभी ना कोई कोई गाड़ी इतनी पसंद आती है कि उसके लिए वर्ड्स कम हो जाते हैं, ये वो एक गाड़ी है। अगर आप ध्यान देंगे इस गाड़ी के अंदर, मैं मानता हूँ कि 16 तक इसका टॉप एंड जाने वाला है प्राइस के अंदर बात करूँ, तो इसकी को पैसेंजर एरिया में वो हाइट एडजस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो ये गाइज मैंने नहीं देखा कि इस साइज़ की गाड़ी में किसी में को पैसेंजर में को हाइट एडजस्ट मिले, तो छोटी छोटी चीज़ों का स्कोडा बहुत ध्यान रखता है गाइज। एक बारी गाइज मैं गाड़ी के बारे में बताने से पहले एक बारी गाड़ी को ऑन करता हूँ, तो जैसे ही गाइज आप गाड़ी को ऑन करेंगे तो ये लुक निकल के आती है, स्कोडा का लोगो आपको नज़र आता है और इट फील्स लाइक अ वेरी डिजिटल वाइज वेरी हाईटेक गाड़ी, और फीचर सारे मिलते हैं। सनरूफ को ओपन करना है, सिंगल क्लिक कीजिए, छोटा सा सनरूफ आपको प्रोवाइड कर रखा है, 6 स्पीकर मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर, स्कोडा रेडियो यहाँ मिल रहा है आपको, इसके अंदर वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे सब चलता है, आपने देखा है 6 स्पीकर के साथ है, कुशाक में देखा है वही सेम डिवाइस मिलने वाली है। बट जो गाइस ओवरऑल जो डिज़ाइन लैंग्वेज है गाड़ी की, मतलब बिल्कुल हटके है, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है, ये आपका हार्ड के अंदर रखा गया है, सेमी सॉफ्ट बोल लीजिए इसे, यहाँ पे आपको ब्लैक, गोल्ड एंड अगेन ब्लैक 3 ट्रीटमेंट मिलते हैं को पैसेंजर एरिया में। ग्लव बॉक्स का भी शानदार दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है, कूलिंग का फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, तो ये बहुत अच्छा टच दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, ये चीज़ है इसके अंदर डॉट्स दे रखे हैं, कितना शानदार ही डिज़ाइन लगता है, मतलब ऐसा लगे जैसे बिल्कुल डिस्प्ले आपका रखा हुआ है इसका, जैसे टैब किसी ने प्लेस कर दिया यहाँ पे लाके। इस स्क्रीन के बारे में बात करूँगा इस, यहाँ पे वायरलेस एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन दे रखा है, मेन्यू फोन सब क्विक टॉगल मिल जाता है, सेटिंग्स का बटन यहाँ पे दे रखा है, तो ये बहुत सुंदर दे रखे है, बहुत ही फास्टली फॉरवर्ड है, कोई लैग इनके अंदर नहीं होता, गाड़ी की डेटा शो करता है, रिफ्यूल के लिए कंजप्शन कितना, सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है, एवरेज स्पीड कितनी, नोटिफिकेशन स्कोडा ऐप से मिल जाती है, तो गाइज मोस्ट एडवांस सिस्टम में बोलूँगा ये स्कोडा रेडियो 6 स्पीकर के साथ आता है, इसका आउटपुट बहुत ही बेहतरीन निकलता है।
एसी वेंट्स आपको दे रखे हैं, जैसे आपने आजकल जीप कंपस में उन सब गाड़ियों में देखा, बिल्कुल स्प्लिट डिजाइन एसी नीचे आया था, एसी यहाँ पे हजार लैंप का फंक्शन है। ऑटोमेटिक एसी गाइस यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रखा है, जैसे आपने कुशैक के अंदर देखा वो उसमें ऐसे लगा हुआ था, बट यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट डिजाइन में दे रखा है। यहाँ से अगर आपको हवा बढ़ानी है तो हवा देख सकते हैं बढ़ गई है, अभी ये फ्लो हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे आपको दे रखा है, एयर एंड केयर की फैसिलिटी है। यहाँ पे गाइस थोड़ा छुपा हुआ है बट आप थोड़ा देखेंगे तो दो टाइप सी फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है, ये एक बहुत अच्छा टच है। यहाँ पे आपको फ़ोन को पर्स को रखने के लिए बहुत सारा स्पेस निकल के आता है। तो गाइस फीचर्स की इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है और आई एम इन लव विद दिस कार। यहाँ पे आपको 6-speed गेयर बॉक्स 1 liter TSI के साथ, रैपिड में भी 6 गेयर आते थे, इसमें भी 6 गेयर आते हैं, बहुत ही प्रीमियम फिनिश है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स दे रखे गाइस, इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो हमारे वेंटिलेशन से सीट ओपन होगी, कोपैसेंजर चाहे तो कोपैसेंजर भी ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मज़ा आ गया गाइस फीचर्स को देखिए, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, लॉक का बटन दे रखा है, आपका जो हैंड ब्रेक लीवर है, 12V का सॉकेट यहाँ पे दे रखा है, कुछ स्पेस छोटा सा यहाँ भी है, कभी होल्डर्स आपको यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं। आर्मरेस्ट में गाइस बहुत सारा स्पेस है और ये टच काफ़ी सुंदर यहाँ पे दे रखा है। वाइजर्स विद अ ग्लास, वाइजर विद अ टिकट होल्डर, कैबिन लैंप आपके बहुत ही सुंदर हैं, आपके व्हाइट कैबिन लैंप आपको दे रखे हैं, इसको ऐसे बंद भी कर सकते हैं आप, ऐसे डोर पे भी रख सकते हैं, ऐसे ऑन कर सकते हैं, दोनों ही आपको व्हाइट में दिए गए हैं। आयर वेम आपके ऑटो डिमिंग है गाइस, ये रात को बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और गाइज मज़ा आता है इस गाड़ी को देख के। स्टेयरिंग आपका बिल्कुल नया, जो आपका स्कॉडा ऑक्टेविया से अलग कुशैक में भी ये आता है, 2-spoke स्टेयरिंग व्हील, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, गाड़ी के मल्टी से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। और ये जो डिस्प्ले है गाइज आपका, जो आपने अगर टाइगून देखी होगी VW की, तो उसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको ऐसा डिस्प्ले मिलता है, मतलब कुशैक में भी नहीं आता है बट स्कॉडा स्लेवे में डेब्यू हुआ है, काफ़ी सुंदर है। इसको मैं टॉगल करके दिखाता हूँ आपको, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ पे। सो आपके डिफरेंट आपके डिजिटल आपके स्पीडोमीटर दे रखे हैं, टैकोमीटर आपको डिजिटल दे रखा है, तो इसके डिज़ाइन ऐसे चेंज होते हैं, इसको चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आपके हीटिंग एंड कूलिंग आपको येलो में शो हो रहा है, फ्यूल के कंट्रोल्स आपको वहाँ शो हो रहे हैं, जो जितनी वार्निंग साइंस है गाड़ी कितनी चली वो सारी इन्फॉर्मेशन आप दिख रही है। और यहाँ पे आपको इसके अंदर स्टेयरिंग भी आपको टिल्ट के लिए, टेलीस्कोपिक के लिए सारा मिल जाता है। तो गाइस सारी एडजस्टमेंट इस गाड़ी के अंदर आपको दे रखे हैं। और गाइस ये डिस्प्ले तो गाइस ये बिल्कुल स्मार्ट गाड़ियाँ बन चुकी हैं। और एक चीज़ अगर आपको थोड़ा ध्यान जाए, यहाँ पे गाइस आपको स्कॉडा साउंड का लोगो दिया गया है आपके ए पिलर पे, जो ट्विटर आपको दे रखा है, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको स्कॉडा साउंड दे रखा है। तो गाइस इसे कह सकते हैं कि रिच इन फीचर्स, स्कॉडा को लैंग्वेज को नहीं भूलते हुए गाड़ी बनाई है, और एक बहुत शानदार गाड़ी अभी आ चुकी है, हैच, जो आपकी सेडान मार्केट जो बिल्कुल अभी जो बंद सी हो गई थी कि गाड़ियाँ बिकी नहीं रही, तो गाइस अब बिल्कुल गेम चेंज होने वाला है। सो फाइनली गाइज आपकी स्कॉडा सेलेविया आ चुकी है आपके सेडान का गेम चेंज करने, सेडान जो गाड़ियां होती हैं उनका गेम चेंज करने। और ये गाड़ी गाइज एक्सपेक्टेड है कि ये 10 से 11 लाख के बीच में एक शोरूम स्टार्ट होने वाली है। ये गाइज एक रिफॉर्मेशन रहेगा, अभी जैसे आपने देखा कि सेडान गाड़ियां इतनी नहीं बिकती है, तो उसके लिए एक रिफॉर्मेशन होने वाला है। 28 तारीख तक गाइज प्राइस का वेट कीजिए, इसी गाड़ी का प्राइस का वेट कीजिए, जैसे ही आएगा हम कॉमेंट सेक्शन में जरूर उसको मैंशन करेंगे। फिलहाल गाइज गाड़ी को देख के ऐसा लगता है कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है स्कॉडा की तरफ से, मुझे नहीं लगता गाइज आज के टाइम पे इसको राइवल कर सकता है। हमारी वीडियो आपको कैसी कुछ लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।